नमस्कार, ये सवाल है, देख लीजिए। ये खतौनी का पारिवारिक बंटवारा कैसे करते हैं परिवार में, देख लीजिए। मान के चलिए इस खतौनी में दो भाई हैं और ये आपका रकबा है, ये क्रमांक है, सीरियल क्रमांक, और ये प्लाट का नंबर है और ये रकबा है, देख लीजिए। ठीक, ये खतौनी में इस तरह से है कि इसको कैसे बांट सकते हैं, देख लीजिए। ये 10 नंबर का प्लाट 0.600 हेक्टेयर है, 11 नंबर का प्लाट 0.300 हेक्टेयर, 12 नंबर का प्लॉट 0.800 हेक्टेयर, 13 नंबर का प्लॉट 0.200 हेक्टेयर, 16 नंबर का प्लॉट देख लीजिए, 17 नंबर का प्लॉट 0.100 हेक्टेयर है, अब 18 नंबर का देख लीजिए, 19 नंबर, 20 नंबर, और ये 50 नंबर, ये जो है 0.8400 हेक्टेयर, ये जो है इस प्लाट के नज़दीक में नहीं है। आपको बंटवारा करने से पहले आप अपने से जो है लिख लीजिए कि कौन कौन सा प्लाट जो है किसको लेना है। लगभग जो है एक चक होना चाहिए यहाँ पर, एक चक होने के लिए इसको, ये जो है प्लाट का नंबर अधिकतर सेम जो रहता है, 1 2 3 4 सीरियल वाइज, तो प्लाट जो है अधिकतर देख लीजिए नक्शा में, आजकल जो है हर जगह मोबाइल में नक्शा देखने को मिलेगा, तो एक चक रहता है अधिकतर। तो आप जो है इसको देख लिए हैं, ये सब जो है एक चक है, 10 11 12 13 नंबर का प्लॉट एक चक है। तो ये दो भाई हैं ए और बी, तो पहला इसको ए के लिए और ये बी के लिए, ए के लिए प्लाट क्रमांक और रकबा लिखिए, बी के लिए प्लाट क्रमांक और रकबा लिखिए। ये देखिए इस तरह से हम जो है ए के लिए पहले लिखते हैं 10 नंबर का प्लॉट, 10 नंबर का प्लॉट सीरियल बाई एक चक होना चाहिए, सटा हुआ तो 0.600 हेक्टेयर, और ये 12 नंबर का प्लॉट को लिख लीजिए, 12 नंबर, ये 11 नंबर का, सॉरी 11 नंबर का प्लॉट को ले लीजिए, यहाँ पर 0.300 हेक्टेयर, 0.300 हेक्टेयर, ये 4 डिजिट कर दीजिएगा दशमलव के बाद, 12 नंबर का प्लॉट 0.0800 हेक्टेयर, ये देख लीजिए, और 13 नंबर का प्लॉट 0.200 हेक्टेयर है, इतना हेक्टेयर है, ये 13 नंबर का प्लॉट। अब देख लीजिए 16 17 18 19 20, ये लगभग जो है तीन, एक दो तीन चार, तीन प्लाट के लगभग बराबर है इसका रकबा जोड़ने पर, तो बीच में 14 15 किसी दूसरे का प्लॉट है, तो आप जो है इतना से देख लीजिए, ये जो है 20 तक का प्लॉट बी के लिए दे दीजिए। कौन सा, ये 16 नंबर प्लाट क्रमांक 16, इस तरह से बना लीजिए, 0.48, 0.4800 हेक्टेयर, इस तरह से, और 17 नंबर का प्लॉट है 0.1000 हेक्टेयर है, और 18 नंबर का प्लॉट है, ये देख लीजिए, 0.4200 हेक्टेयर, 0.4200 हेक्टेयर, ये जो है 18 नंबर का प्लॉट है, 18 नंबर का प्लॉट है, और 19 नंबर का को भी ले लीजिए, 19 नंबर का प्लॉट है, ये छोटा प्लॉट हो 0.0320 हेक्टेयर, 0.0320 हेक्टेयर, ये देख लीजिए इस तरह से। छोटा प्लॉट इसलिए कि इसके देख लीजिए, ये जो है नंबर्स के आगे जीरो है, इसलिए ये जो है बहुत छोटा है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं छोटा प्लॉट को। और 20 नंबर का प्लॉट को ले लीजिए, 20 नंबर का प्लॉट है 0.8360 हेक्टेयर, 8360 हेक्टेयर, ये देख लीजिए इतना जो है प्लॉट है। इसको जो है आप, अब रह गया है ये 50 नंबर प्लॉट, इसको जानते हैं, ये अलग है प्लॉट, ये जो है 50 नंबर कहीं पर अलग है, इसको जो है आप दो भाग कर दीजिएगा, 1/2, लेकिन करना कितना कितना लेना है उसको, इसको ऐड कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ये 50 नंबर का प्लॉट से कितना लेना है, इसके लिए भी 50 नंबर का प्लॉट से कितना देना है,
इसको जानेंगे हम लोग। इसको पहले जोड़ने पर कितना ज़्यादा कम हो रहा है इसको देख लीजिए, ये हो जाता है 1.9000 हेक्टेयर, ये देख लीजिए इतना होता है एक के लिए। टोटल में 4.6080 हेक्टेयर है, ये देख लीजिए 4 हेक्टेयर और दशमलव के बाद 608 इतना है। अब एक के लिए उसको टोटल कर लीजिए, बी वाले के प्लाट को टोटल कर दीजिए, टोटल क्या हुआ है 1.868680 हेक्टेयर इतना है इतना प्लाट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसका 1, 2, 3, 4 प्लाट में ही जो है इसका 1.900 हेक्टेयर है, ज़्यादा है और इसका थोड़ा कम है। तो हम जो है ये जो 50 नंबर का टोटल प्लॉट है 8400 हेक्टेयर, 8.8400 हेक्टेयर है, इसमें से कुछ ज़्यादा इसको देंगे। कितना ज़्यादा देंगे तो इसमें से घटा दीजिए इसको, ये जो है इसी को पहले घटा सकते हैं, पूरा को लिख के घटाइए या तो दशमलव के बाद उधर का 1.900 हेक्टेयर है इसको घटा दीजिए 1.8680 हेक्टेयर से, इसको घटाने पर कितना कम है वो पता चल जाता है। इसके लिए कम हो जाता है देख लीजिए, मैं घटा लिया हूँ आप घटा कर देख लीजिए, 0.032 हेक्टेयर जो है इसके लिए कम है। तो अब इसमें से घटा दीजिए ये 0.8400 में से 0.032 घटा दीजिए, यहाँ पर घटा लेते हैं 0.8400 माइनस कर दीजिए 0.0320 हेक्टेयर, तो यहाँ बच जाता है 0.8080 हेक्टेयर। इतना को अब दो भाग में बांट दीजिए 8080 हेक्टेयर को, इसको जो है दो भाग कर दीजिए, दो भाग करने पर बराबर हो जाता है 0.404 हेक्टेयर इतना होता है, 0.404 हेक्टेयर। इसको 50 नंबर का प्लॉट से दे दीजिए 0.4040 हेक्टेयर, इसको 50 नंबर के प्लॉट से दे दीजिए 0.4040 हेक्टेयर। अब इसको घटा दीजिए इसमें से जो बचा उसका इसके लिए होगा, देख लीजिए कैसे घटाते हैं, घटा लीजिए 0.4040 हेक्टेयर से घटा दीजिए, इसमें से घटाने पर घटा कर देख लीजिए इसमें से ये जो है 0.634 होगा इतना होगा, 0.4360 बच रहा है इस प्लॉट में, ये पूरा को इसके लिए दे दीजिए 0.4360 हेक्टेयर, ये अब बराबर हो गया। अब जो है इसको दो भाग करेंगे 4.608 को, तो ये एक भाग के लिए 2.3040 हेक्टेयर होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा रकबा को जोड़ दीजिए ये सबको, तो 2.3040 हेक्टेयर, यहाँ पर भी हो जाएगा 2.3040 हेक्टेयर इतना टोटल में, ये एकदम इक्वल बराबर हो गया। अब इस तरह से लिख करके आप जो है दे सकते हैं, घूमने के बजाय यहाँ वहाँ कई जगह दूर है जाना
से अच्छा है कि इस तरह से कर लीजिए। और एक ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो है एक बटे दो किए हैं, इसका जो है आपको जो है पूरब में किसका है, पश्चिम में किसका है, उत्तर में किसका है, दक्षिण में किसका है, इसका जो है आपको लिख के देना पड़ेगा चौहद्दी। और जो है आराम से जो है आपके गांव में जो भी सरकारी दस्तावेज संभाल कर रखता है, काम करने वाला है, वो जो है आसानी से कर लेगा। अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।